हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी 24 प्लस में स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप लोग सही ही होंगे। मेरे भाई, आज हम लोग एवरेज का नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं और एवरेज का क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन, करा शिव शंकर, गोपेश और रीना का औसत वजन 97 kg है। यदि शिवशंकर और गोपेश का औसत वजन 93 kg है और गोपेश और रीना का वजन 82 kg है तो गोपेश का वजन कितना है? देखिए मेरे भाई, ये बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा है, इसलिए इसको बताना बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को हम बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए मेरे भाई, क्या कह रहा है शिव शंकर, ध्यान से देखेंगे। शिव शंकर, गोपेश और रीना तीनों का जो औसत दिया है मेरे भाई, 97 दिया है। यदि मेरे भाई अगर औसत 97 दिया है तो बताइए योगफल कितना होगा? बोलिएगा 97 × 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 97 × 3 हो जाएगा। 7 × 21 = 1, बाकी 2, 9 × 27 = 2 मेरे भाई, 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा, यानी 291। ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, आगे कह रहा है यदि शिवशंकर और गोपेश का औसत वजन 93 kg है। शिवशंकर और गोपेश का दिया है मेरे भाई, गोपेश इनका औसत दिया है 93, तो योगफल कितना हो जाएगा? तो बोलिएगा 93 × 2, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 6 × 9 = 18 = 186। ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, आगे क्या दिया है वो भी डाटा देख लिया जाए। आगे कह रहा है गोपेश और रीना, जी से गोपेश और आर से रीना, इन दोनों का जो औसत दिया है मेरे भाई 82 दिया है, और आपको पता है औसत को योगफल में बदलेंगे तो 2 × 2 = 2, बस 4 × 8 = 16। अब ध्यान देना है, क्या पूछ क्या रहा है? गोपेश का वजन मेरे भाई, गोपेश यहाँ भी है यहाँ भी, एक कम करते हैं, यानी ये शिवशंकर, गोपेश और आपका क्या है एक रीना है, इन तीनों का योगफल आपका दिया गया है 291। यदि इन तीनों के योगफल में से यदि शिवशंकर और गोपेश को निकाल दिया जाए तो रीना निकलेगा, और रीना को यहां से लेस कर दिया जाए तो गोपेश निकलेगा, है कि नहीं? तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं मेरे भाई। आपको करना क्या है, यहां से आपको क्या निकल जाए, एस और जी का वैल्यू यहां पर रखेंगे तो रीना निकल जाएगा, और रीना का वजन निकालने के लिए मेरे भाई 291 में से 186 को घटाना होगा। ध्यान दीजिए, 1 × 11 = 6 = 5 हो जाएगा मेरे भाई, और यहाँ पर हो जाएगा 8 × 8 = 8 = कितना हो जाएगा? 0, और यहाँ पे 2 × 1 = 1, यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे? अच्छा, गलत घटा दिए, ध्यान से देखेंगे सही है क्या, 105। देखिए मेरे भाई, यहाँ पे घटा रहे 11 × 6 = 5, यहाँ बच गया 8 × 8 = 0, 2 × 1 = 1, ठीक है? अब मेरे भाई क्या करना है, R का वैल्यू यहाँ पे रखना है, गोपेश का वैल्यू निकल जाएगा, गोपेश का वैल्यू, बस ये आपका बेसिक लेवल है, और यहाँ पे घटा बढ़ा के आपको आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है? अब यहाँ पे आप घटा दीजिए, तो जैसे आप घटे 14 × 5 = 9, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे भाई क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 × 15 = 10 कितना हो जाएगा? 5, यानी 59 आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? 59 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। देखिए बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है मेरे भाई, आपको क्या करना है, बस कैलकुलेशन करना है। क्या करना है? कैलकुलेशन करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कैलकुलेशन करना। और देखिए यहाँ पे
तीनों का योगफल दिया था, तीनों के योगफल में से यदि एस और जी का योगफल को घटाएंगे आर निकलेगा, फिर आर के मान को यहां रखेंगे तो जी का मान निकल जाएगा, और जी का मान ही पूछ रहा है मेरे भाई। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और इसी टाइप का क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा कह ए बी सी की औसत ऊंचाई 148 सेंटीमीटर है, ए एवं बी की औसत ऊंचाई 136 सेंटीमीटर है तथा बी एवं सी की औसत ऊंचाई 125 सेंटीमीटर है, तो बी की ऊंचाई कितनी होगी। उसी पैटर्न का क्वेश्चन है मेरे भाई, यदि आप चाहे तो इसको हल तुरंत कर सकते हैं, बस जैसे हम आपको बताए हैं वैसे ही करना है। ए प्लस बी प्लस सी, औसत दिया है मेरे भाई 148, तो आप बता दीजिए योगफल कितना होगा। बोलिएगा तीन से गुना तो कर दीजिए, आठ या 24 के चार बाकी दो, चौथिया 42 दो मेरे भाई 244, 44 दो कितना होता है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे गुना हर हमेशा गलती हो रहा है ना। चलिए यहाँ पे आठ या 24 के चार बाकी दो, चार या 12 दो 14 के चार बाकी एक, तीन एक चार, 444 हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, ए एवं बी की औसत ऊंचाई कितना है, ए और बी की औसत ऊंचाई जितना है कितना है मेरे भाई 136, इसका योगफल कितना हो जाएगा 136 गुना दो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आप बोल दीजिएगा कितना 272 हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे भाई 272 हो जाएगा। बताइए बी और सी का योगफल कितना हो जाएगा, बोलिएगा बी और सी का औसत दिया है 125, औसत दिया है मेरे भाई 125, तो योगफल हो जाएगा 250, कितना हो जाएगा 250। अब ध्यान देने वाली बात यह है मेरे भाई, आपको बी पूछा है, बी पूछा है, सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पे करना क्या है, ए और बी, ए और बी का मान यहाँ पे रखेंगे तो सी निकलेगा, फिर सी को यहाँ से हटाएंगे तो बी निकल जाएगा। बहुत ध्यान दीजिएगा, आपको करना क्या है, यहाँ से पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग सी का वैल्यू निकाल लेंगे। सी निकालने के लिए 444 में से मेरे भाई क्या घटाना पड़ेगा 272, बस घटा दीजिए, चार में से दो जाए दो हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे देखिए 14 में से सात जाए सात हो जाएगा, यहाँ पे तीन में से दो जाए एक, 172 हो जाएगा। अब मेरे भाई यहाँ से करना क्या है, सी का वैल्यू यहाँ से हटाएंगे तो बी का वैल्यू निकल जाएगा, बस घटा दीजिए, 250 में से आपको घटाना है 172, घटा दीजिए, 10 में से दो जा हो जाएगा आठ, इसके बाद मेरे भाई यहाँ पे बचेगा 14, 14 में से सात जाए सात, और ये आपका एक में से एक जाए खत्म, 78 आपका बच जाएगा। तो 78 सी का वैल्यू मतलब बी का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई 78 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 78 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं बात को समझे होंगे, पूरा बेसिक लेवल का क्वेश्चन है मेरे भाई, यहाँ पे सिर्फ आपको गुना उना करना है बस आंसर निकल जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा मेरे। देखिए क्या कह रहा है, किसी मंदिर में एक सप्ताह में औसतन 75 फल चढ़ाए गए, एक सप्ताह मतलब कितना मेरे भाई, एक सप्ताह में सात दिन होता है और सात दिन का औसत कितना दिया गया है 75 दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए मंगलवार को छोड़कर शेष छह दिनों में से औसत 72 फल चढ़ाए गए, मतलब ये कहना क्या चाह रहा है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा कि एक सप्ताह में सात दिन था और सातों दिन का औसत दिया गया है 75 फल, कितना दिया है 75 फल, और इसमें से यह बोला है कि अगर एक दिन मंगलवार को छोड़ दिया जाए तो शेष छह दिन बचेगा और छह दिन का औसत जो दिया गया मेरे भाई 72 दिया गया है। तो कह रहा वो जो एक दिन मंगलवार को छोड़े हैं ना, तो बताइए मंगलवार के दिन कितने फल चढ़ाए गए, मंगलवार के दिन कितने फल चढ़ाए गए ये आपसे पूछ रहा है। मतलब तो सिंपल फंडा क्या है मेरे भाई, आप सोचिए इस सात दिन के योगफल में से छह दिन के योगफल को घटा देंगे
एक दिन का योग फल निकलेगा, निकलेगा कि नहीं, आप बेसिक बात समझ रहे हैं। बस आपको करना क्या, इन सात दिन के योग फल में से इन छह दिन के योग फल को हटा देंगे तो एक दिन का योग फल बचेगा, और एक दिन का ही पूछ रहा है मेरे भाई, और एक दिन का आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो सात पचे पैंतीस के पांच बाकी तीन, सत्य उनचास दिन कितना होता है मेरे भाई, बावन, कितना होता है बावन, इसमें से छह दिन का घटा दीजिए, छह दुनी बारह के दो बाकी, एक चौसठ बयालीस, एक कितना होता है मेरे भाई तैतालीस। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे घटाइए कितना आता है, तो बोलिएगा यहाँ पे पांच में से दो जाए यहाँ पे हो जाएगा तीन, और यहाँ पे बारह में से तीन जाए मेरे भाई नाइन यानी नौ, तिरानवे, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई तिरानवे। तो मंगलवार के दिन कितना फल चढ़ाए गए थे मेरे भाई, तिरानवे फल चढ़ाए गए थे। उम्मीद करते हैं बात को समझे होंगे। अब देखिए बहुत छोटा डाटा है, इसलिए यहाँ पे शॉर्ट में, इससे शॉर्ट हमको लगता है नहीं है, अगर एक तरीका आप अपनाना चाहते हैं शॉर्ट में तो वो हम आपको बता सकते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, तो यहाँ पे सात दिन का योगफल में से, सात दिन के योगफल में से, सात दिन के योगफल में से क्या करना है मेरे भाई, छह दिन के योगफल को घटा देंगे तो आपका क्या आएगा, आपका बोलिएगा एक दिन का योगफल निकलेगा, और एक दिन उस दिन कितना फल चढ़ाया गया है मेरे भाई उसका आपका आ जाएगा आंसर। ध्यान दीजिएगा, तो नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं मेरे भाई, शेष ग्रुप पर इसको ला सकते हैं, शेष ग्रुप पर इसको ला सकते हैं मेरे भाई, आपको करना क्या है ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, आपको ऐसे आपको सोचना है दूसरे तरीका से। देखिए कैसे, सात दिन का औसत दिया है पचहत्तर, और इसमें से छह दिन का औसत दिया है बहत्तर, यानी शेष दिन पूछ रहा है, मतलब एक दिन पूछ रहा है, इसको बोलेंगे मेरे भाई शेष ग्रुप। शेष ग्रुप में क्या बोलेंगे, जा रहा है, क्या कर रहा है, जा रहा है। देखिए सातों का हिस्सा है पचहत्तर और जा रहा है कितना, छह गो, है ना। जब ये जा रहा है तो हिस्सा था पचहत्तर, ये जा रहा है कम में लेके, इसको तो फायदा होगा मेरे भाई प्लस, मेरे भाई कितना का इसको फायदा होगा, तो आप बोलिएगा देखते हैं कितना का फायदा होगा, तो बोलिएगा यहाँ पे तीन, कितना छत्रिय अठारह, कितना का अठारह का फायदा होगा, और निकालना है शेष ग्रुप का कितना होगा मेरे भाई, शेष ग्रुप का हो जाएगा तो आपका ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा, तो आराम से जोड़ दीजिए, आठ पांच तेरह का तीन बाकी एक आठ एक नौ, तो ये तिरानवे आपका डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। अभी मेरे भाई ये तो अभी कुछ नहीं है, अभी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को हम इसी मेथड से तोड़ेंगे, क्योंकि अभी छोटा डिजिट था और छोटा डिजिट पे हम क्यों ये फॉलो करें, ठीक ना, इसलिए आपको डायरेक्ट सोचना इसके योगफल में से इसको एक पल घटा देंगे बस आंसर आ जाएगा, ठीक है। बड़ा डिजिट जहां में आएगा मेरे भाई, जहां में बड़ा डिजिट आएगा वहां पे हम पूरे शॉर्ट में बनाने का प्रयास करेंगे, पूरे शॉर्ट में बनाने का प्रयास करें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मिलेगा मेरे भाई, अभी तो लगभग 150 क्वेश्चन हल करना है मेरे भाई, ठीक है। अभी बेसिक लेवल का क्वेश्चन जा रहा है, धीरे 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 आपका लेवल बढ़ेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिए मेरे भाई चौथा नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, दस संख्याओं का औसत x है तथा उनमें से एक संख्या 38 है, 38 को 19 से बदल दिया जाए तो नया औसत पूछ रहा है मेरे भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ये बेसिक लेवल का है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्या रहा है, दस संख्या का औसत जो दिया गया है x दिया गया है, ठीक है, एक संख्या 38 है और 38 को बदल दिया गया है किससे, 19, मतलब 38 को रिप्लेस किया है 19 से, इसका मतलब क्या है, एक संख्या हटाए हैं तो एक संख्या ले भी लिए हैं, समझे, ठीक है। तो समझिए बात को मेरे भाई, 10 संख्या का औसत यदि x है तो इसका बता सकते हैं आप योगफल कितना होगा, तो आप सीधे बोलिएगा 10 गुना एक्स बराबर 10x, तो ये 10 संख्या का योगफल है, इसमें से क्या हो रहा है मेरे भाई, एक संख्या 38 को हटा रहे हैं, 38 को हटा दिए और इसके जगह पे क्या डाल रहे हैं, बोलेंगे 19 डाल रहे हैं, 19 डाल देंगे मेरे भाई, 19 डाल देंगे। देखिए मेरे भाई, आदि 38 यानी 10 संख्या में एक संख्या हटाए हैं तो एक संख्या डाल भी दिए हैं, इसका मतलब मेरे भाई 10 का 10 संख्या अब भी है,
है ना। अब ध्यान दीजिए मेरे भाई, 10 से भाग देंगे तो नया औसत आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नया औसत आ जाएगा। बस कर दीजिए यहाँ पे, 10x हो जाएगा, 10x यहाँ पे हो जाएगा मेरे भाई 19, और बट्टा कितना हो जाएगा 10। अब इसको आपको क्या करना, ऑप्शन अकॉर्डिंग करना, इसको बांट दिया है मेरे भाई, तो 10 इसमें बांटेंगे तो ये हो जाएगा मेरे भाई x, और ये हो जाएगा 19/10। तो ये पैटर्न में आपका ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका ये दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात को समझे होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए मेरे भाई, 31x प्लस 31y बराबर 403 है, तो कह रहा है x तथा y का औसत क्या होगा, x तथा y का औसत क्या होगा। ध्यान दीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, x तथा y का औसत क्या होगा। अर्थात ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है मेरे भाई क्या, x प्लस y का औसत, मतलब इसका वैल्यू पूछ रहा है, इसका वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो मेरे भाई आपको करना क्या है, ये डाटा जो दिया गया है 31x प्लस 31y बराबर कितना दिया गया है 403। बस आपको करना क्या है, 31 कॉमन ले लेना है मेरे भाई, 31 कॉमन ले लीजिए, x प्लस y हो गया, ध्यान दीजिएगा, और ये आपका कितना होगा 403 हो गया। बस 31 से भागा लगा देना है, तो मेरे भाई ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 31 961 गया, 31 दिया 93। अब देखिए मेरे भाई, आपसे पूछा किसका वैल्यू है, आपसे पूछा है x प्लस वाई बटा कितना 2 का वैल्यू पूछा है, तो बताइए x प्लस वाई का वैल्यू कितना आया है, तो बोलिएगा 13 आया है। तो 13/2 मतलब 6.5 आपका आंसर हो जाएगा, 6.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे भाई आप ये बात को समझे होंगे, उम्मीद करते हैं ये बात को आप समझे होंगे। बस आपको ये वैल्यू पूछ रहा है, एक्स वाई का मान चाहिए ना पुट करने के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरे भाई क्या कह रहा है, 5 संख्या का औसत 76 है, उनमें से पहली संख्या अन्य 4 संख्या के योग का 3/7 गुना है, तो वो पहली संख्या क्या है। देखिए मेरे भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। देखिए 5 संख्या का औसत 76 है, तो मेरे भाई आप ये बता सकते हैं 5 संख्या का औसत 76 है तो इसका योगफल कितना होगा, तो 5×76 होगा। योगफल का तुलना योगफल से कर देंगे, जिसको निकालना उससे गुना कर देंगे। तो मेरे भाई यहाँ पे देखिए कह रहा है कि उनमें से पहली संख्या अन मतलब क्या, वो 4 संख्या, 4 संख्या के योग का, ये जो का लगा है मेरे भाई, का किसके साथ है, 4 संख्या के योग के साथ का लगा है, इसलिए 4 संख्या के योग कितना हो जाएगा 7, बाकी 1 संख्या 3, तो 5 संख्या का योगफल कितना हो जाएगा 7×3=10, यानी टोटल का तुलना टोटल से कर देंगे। कह रहा पहली संख्या, और पहली संख्या आपका 3 है तो 3 से गुना कर देंगे। चलिए इसको काट दीजिए, 5×10 आप काट सकते हैं इसको, और इसको आप काट सकते हैं 38×76, और इसको गुना कर सकते हैं 8×24 के 4, बाकी 2, 3×3=9, 2×11 यानी 114 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात को समझे होंगे, अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। अच्छा मेरे भाई, इस प्रश्न में यदि आपसे ये बोल दिया जाए कि बताइए कि दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी, क्या पॉसिबल है यहाँ पे, बोलिएगा नहीं पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। यदि यहाँ पे 4 संख्या का योग पूछ दे एक साथ, हाँ ये पॉसिबल है, क्योंकि 4 संख्या का योग एक साथ दे रखा है, कितना है 7, तो 4 संख्या का योगफल जैसे पूछता तो हम लोग यहाँ पे 4 से गुना कर देते। उम्मीद करते हैं बात को समझे होंगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरे भाई क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, 19 के पूर्व सभी अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा। बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, और आपको ये भी मालूम है मेरे भाई अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। जो भी भाई आप अभाज्य संख्या के बारे में नहीं जानते, मेरा फर्स्ट वीडियो और सेकेंड वीडियो बहुत बेसिक से बताए हैं मेरे भाई, वहां पे आप अभाज्य संख्या के बारे में जानेंगे,
प्राइम नंबर किसे कहते यानी उसके बाद हम उसमें बोले थे ट्विन प्राइम नंबर यानी स अभाज्य जोड़े के बारे में बोले थे मेरे भाई, वहां एक बार जरूर देखिए तब आपको ये बात तुरंत समझ में आ जाएगा। 19 के पूर्व सभी अभाज्य, तो मेरे भाई अभाज्य संख्या क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, तो बोलिएगा एक और स्वयं के अलावा तीसरा किसी से ना कटे। तो ऐसा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गया मेरे भाई, तो बोलिएगा 2, उसके बाद 3, उसके बाद मेरे भाई 5, उसके बाद 7, कितना हो जाएगा, उसके बाद 11, 13 और 17। तो देखिए मेरे भाई क्या कह रहा है, 19 के पूर्व पूछा है, 19 तक नहीं पूछा है, इसलिए 19 से पहले कौन आ गया, 17। यहां तक का औसत पूछा है मेरे भाई, सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ के आपको करना क्या है, जैगो संख्या वैसे भाग करना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 से भाग कर देना, 7 से भाग कर देना है मेरे भाई, यानी जैगो संख्या है वह वो उससे क्या करना है मेरे भाई, आपको भाग कर देना है, जोड़ देना है। तो बात तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, इस चीज को कर दीजिए, तो यहाँ 3, 2, 5, 5, 5, 10, 10, 7, 17, 17, 11 मेरे भाई 28 और 28, 13 मेरे भाई 41 और 41, 17 मेरे भाई 58 बटा 7, चलिए भाग दे देते हैं। सती अठे 56 होता है, सती अठे 56 मेरे भाई 8 दशमलव समथिंग। देखिए मेरा भाई एक ऑप्शन में आपको दिया गया है 8 दशमलव समथिंग, तो 8.28 बस यही आंसर मार देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस प्रश्न में यह जानना होगा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, फिर अभाज्य संख्या को लिखेंगे, फिर अभाज्य संख्या को जोड़ेंगे, फिर भाग देंगे मेरे भाई, तब आपका आंसर निकलेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा, चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्या कह रहा है मेरे भाई, 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्या का औसत कितना होगा। तो मेरे भाई ये भी चीज आप कर लेंगे, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हम दूसरे वीडियो में भी बहुत अच्छा से बताए हैं, और अभी भी आपको ये जानना जरूरी है मेरे भाई, यदि आप अभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं, अभाज्य संख्या को लिखने जानते हैं, तो ये प्रश्न जरूर बनेगा आपसे, और मेरे भाई आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर लिखिएगा। उम्मीद करते हैं मेरी बात को आप समझे होंगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए देखिए मेरे भाई 9, तो देखिए इस टाइप का प्रश्न भी मेरे भाई सेकेंड वीडियो में लाए थे और वहां भी पूरे अच्छे से बताए थे आपको। देखिए यहाँ पे हम बोले थे गुणज बोले या अपवर्त बोले, गुणज बोले या अपवर्त बोले, मतलब पहाड़ा पढ़ना है, क्या करना है, पहाड़ा पढ़ना है मल्टीपल, क्या करना है मल्टीपल पहाड़ा पढ़ना है, ठीक है। देखिए यहाँ 7 के पहले 30 गुणकों का बोला है गुणक, तो 7 का 7 और लास्ट 30 सत्य कर देना है, फर्स्ट लास्ट बट्टा 2 कर देना मेरे भाई। यदि गुणक बोले, गुणज बोले या अपवर्त बोले, अपवर्त का मतलब भी समझेंगे यहाँ पे क्या मेरे भाई, गुना, क्या समझेंगे, गुणज, क्या मल्टीपल, एक में एक होता है अपवर्तक, एक होता है अपवर्त, अपवर्त मतलब क्या होता है मेरे भाई, अपवर्त मतलब होता है कटने वाला और अपवर्तक मतलब होता है काटने वाला, ये ध्यान दीजिए। जब हम एलसीएम और एससीएफ पढ़ेंगे तो वहां भी डिटेल में इसको बात बताएंगे, ठीक है, कटने वाला और काटने वाला, वहां पे आपको हम बकरी और हसवा की कहानी बताएंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग औसत पढ़ रहे हैं तो वहां पे हम लोग औसत के बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो मेरे भाई आपको यहां समझना है कि अपवर्त मतलब क्या होता है, मल्टीपल, क्या होता है मल्टीपल, गुणज, क्या होता है गुणज, पहाड़ा। बस यदि बोलेगा 7 के पहले 30 अपवर्त का औसत क्या होगा, यहां बोलते हैं 7 के पहले 30 गुणकों का औसत क्या, बात सेम। तो करना क्या है मेरे भाई, बस फर्स्ट क्या कर देना है यहाँ पे, 7 का 7 और 30 सत्य 21 यानी 210, फर्स्ट लास्ट बट्टा 2 कर देना है मेरे भाई, और ये हो जाएगा आपका 217/2, बस आपको भाग कर देना है, 2 1 2 क्या होगा, 2 1 2 नहीं खाया 0 मेरे भाई, 2 8 16
अब यहाँ पे कर देना है कितना, एक हो जाएगा 10, 2 पंच 10, बस 108.5, 108.5 ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात को समझे होंगे, इस पे आधारित प्रश्न आएगा तो छूटेगा नहीं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान से देखेंगे। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दसवां नंबर क्वेश्चन की ओर, दसवां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई। और आपको बता दें मेरे भाई, पूरे बेसिक लेवल का एक क्वेश्चन है, पूरे बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, और आप चाहे तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख सकते हैं। देखिए मेरे भाई, इन सभी का औसत इतना दिया गया, बस आपको करना क्या, इन सब को जोड़ देना है, जो है वो संख्या वजह से भाग कर देना है। 46 + x + 30 + 36 + 59 + 84 + 94 मेरे भाई, इन सभी का औसत दे रखा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात दिया है मेरे भाई, कितना दिया है, 7 दिया है। एक बार देख लेंगे मेरे भाई कितना हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे 46, 31, 36, 59, 82 के बाद मेरे भाई 68 छूट गया है ना, पहले 68 था, 82 के बाद मेरे भाई यहाँ पे कितना होता, 68 होता, कितना होता, 68 होता, 68, तब जाके क्या है मेरे भाई, 94 है। और इन सभी का औसत कितना दिया गया मेरे भाई, 56.5, क्या दिया है, 56.5। तो ये टोटल संख्या कितना हो जाएगा, तब यहाँ पे 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8, 8 है 8 से भाग कर देंगे, 8 है 8 से क्या कर देंगे मेरे भाई, भाग कर देना, क्या हो रहा है इसको, 8 है 8 से क्या कर देंगे मेरे भाई, भाग कर देना है, ध्यान दीजिएगा। बस आपको करना क्या, इन सभी को जोड़ देना है, सभी को जोड़ना है मेरे भाई, बस आपको जोड़ना है। यहाँ पे क्या करना है, 6, 6, 6, 12, 12, 9, 21, 21, 2, 23, 23, 8, 31 और 31, 4, 31, 4, 35, 35 के 5, बाकी आपका हो जाएगा 3, 9, 6, 15, 15, 8, 23, 23, 5, 28, 28, 3, 31, 31, 3 मेरे भाई, 31, 34, 34, 4, 37 और 37, 4, 41 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 415 + x और ये 8, 8 जाके गुना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ क्या हो जाएगा, 56.5 × 8, इसको गुना चेक कर लेंगे मेरे भाई, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको गुना कर देते हैं, तन x बराबर क्या हो जाएगा, पहले गुना, 8, 5, 40 के संदर्भ बाकी 4, 8, 6, 48 और 52 के 2 बाकी 5, 8, 5, 40, 5, 45 इसमें से कितना करना है मेरे भाई लेस, 415, कितना करना है, 415 को लेस करना है। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 12 में से 5 जाए 7 और यहाँ पे 4 में से 1 जाए 3, तो ये आपका 37 आ जाएगा मेरे भाई, 37 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं मेरे भाई आप बात को समझे, पूरे बेसिक है, इसको जोड़ने जोड़ना है आराम से, आराम से जोड़ के यहाँ पे जगह संख्या वैसे भाग करना है, और इसका जो औसत दिया गया इधर दिया गया, ठीक है, औसत बराबर औसत कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं बात को समझे होंगे मेरे भाई, बस इस टाइप का प्रश्न आता ही है, और इतना समझ लीजिए इसमें टाइम लगेगा जोड़ने में, ठीक है। यदि आप जोड़ने के लिए, जोड़ने में एक्सपर्ट हैं तो आप तुरंत जोड़ सकते हैं। चलिए मेरे भाई, आपके लिए आज जो है ना, आपके लिए आज सिर्फ मेरे भाई, आज के लिए आप 10 क्वेश्चन, आपके लिए 10 क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है। अगले दिन धीरे धीरे बढ़ाएंगे मेरे भाई लेवल को, आज के लिए इतना ही मेरे भाई। वीडियो को अच्छे से देखिए और जहां पे प्रॉब्लम है उसको रोक के देखिए, बातें आप बहुत अच्छा से समझेंगे मेरे भाई। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार।